दोस्तों, आज की कहानी है सिर्फ बेटी ही नहीं, बहू भी घर की इज्जत होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे जरा ऊपर लगाओ इसे, और वह गुलाब के फूलों की दो मालाएं भी बना कर रख लो अभी, और मेहमानों वाले कमरे को भी साफ करना शुरू करो, और सभी चीजें नहीं रखना उसमें, पर्दे, बिस्तर, तस्वीरें और बिजली भी ठीक कर देना। अरे भाई जरा जल्दी जल्दी हाथ सजाओ, अभी कितना सारा काम और करना रह गया है। घर के मुखिया जगत नारायण सभी लोगों को दिशा निर्देश देते हुए काम के बारे में बताते हुए अपने मन में ही खुश हो रहे थे। उनकी पत्नी नीलम जी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी और रसोई घर में पकवानों को बनाने में व्यस्त थी, कुछ अपने ख्यालों को अपने विचारों के पंख देने में खोई हुई थी। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान आज इस घर में बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा त्यौहार या फिर कोई बड़ी खुशखबरी इस घर की दहलीज को पार करके आ रही हो। सभी घर को किसी दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए थे, क्योंकि दिन ही कुछ खास था, क्योंकि आज इस घर में इस घर के दामाद जी मतलब इस घर की बेटी के पति पंकज जी आने वाले थे। वह भी अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ में शादी के पूरे 30 साल बाद पहली बार बस उन्हीं के आदर सत्कार में पूरा परिवार पिछले एक हफ्ते से लगा हुआ था, जिससे दामाद जी के सामान में कोई कमी न रह जाए, जिससे उनकी बेटी के ससुराल में उनकी बेटी और उसके मायके के घर की इज्जत बनी रहे। पंकज और आकांक्षा दोनों रेलगाड़ी में बैठ चुके हैं और कुछ ही घंटों में यहाँ आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर उनको लेने के लिए किसी को भेज देना। साय पीते हुए जगत नारायण अपनी पत्नी नीलम जी से कह रहे थे। नीलम जी भी उनकी बातों को सुनकर अपनी सहमति दे रही थी और कुछ विचार विमर्श भी करने लगी थी, तभी दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखकर नीलम जी कहती है, जी सुनिए, समय हो गया है, आप सभी ही दामाद जी और आकांक्षा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर चले जाना, मैं कुछ बसा हुआ काम कर लेती हूँ और फिर उनके स्वागत की तैयारी में भी लगना है। घर के दामाद जी का स्वागत कुछ ऐसे हो रहा था जैसे सवे ईश्वर उनके घर में आ रहा हो, उन्हें आशीर्वाद देने। ससुराल वाले पंकज जी के स्वागत के लिए अपने पल के बिछा कर बैठे हुए थे जगत नारायण जी, दामाद जी और अपनी बेटी आकांक्षा को लेकर घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आने से पहले उन दोनों की आरती और गुलाब के फूलों की माला पहना कर उनका स्वागत पूरा परिवार करता है और फिर उनकी सेवा में लग जाता है। दामाद जी को खुश देखकर सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, उनके घर की इज्जत बनी रहे इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। पंकज आज सभी को एक सियासत का महाराजा होने का अनुभव कर रहा था, इतना प्यार और इतना आदर सत्कार देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर कुछ अजीब भी माना कि वह इस घर की बेटी का पति है, इस घर का दामाद जी है, मगर उसके घर में कभी भी उसकी पत्नी आकांक्षा का कभी
ऐसे सत्कार शादी के बाद नहीं हुआ। घर का कोई भी काम हो सभी उससे ही करवाते हैं। अगर दामाद जी को ससुराल में इतना मान सम्मान मिलता है तो एक बहू को उसके ससुराल में इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिलता है? क्या बहू अपने ससुराल कि घर की इज्जत नहीं होती है? अंकक्षा और पंकज का आदर सत्कार हो चुका था। उन्हें वापिस रेलवे स्टेशन पर सोने के लिए जगत नारायण सवे जाते हैं। वह पंकज जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा जितना हम कर सकते हैं हमने किया है। कोई गलती हुई है तो हमें माफ करना बेटा। हमारे घर की इज्जत अब आपके पास से। दामाद जी पंकज उनके पैरों को स्पर्श करके कहता है, नहीं पिताजी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैं भी आपका बेटा ही हूँ। मन में आने लगे थे। ससुराल पहुंचकर अंकक्षा में देखा कि ससुराल के सभी लोग गुलाब की मालाएं और आरती की थाली लिए हुए खड़े थे। उसने मन में सोचा कि ये सब पंकज के लिए होगा, मगर कुछ ही पलों के बाद सब उसकी और पंकज की आरती करने लगते हैं और उन्हें मालाएं पहनाते हैं। पूरा घर आंकक्षा का आदर सत्कार करने लगता है। उसे सियासत की महारानी की तरह मानते हैं। उसकी सास कहती है, आंकक्षा बेटा, जितना हम कर सकते हैं हमने किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ करना। तुम हमारे घर की बहू हो, इस घर की इज्जत हमारे अपने दामाद जी हो। तुम पंकज ने हमें ये सब करने का विचार दिया, हम सबको बहुत अच्छा लगा, हमने इस पर अमल भी किया। ये सब सुनकर आकक्षा की आंखें नम हो जाती है। फिर पूरा परिवार उसे अपने गले से लगा लेता है। सिर्फ बेटे ससुराल में दामाद जी क्यों, बेटी भी ससुराल में दामाद जी बन सकती है। सिर्फ बेटी ही नहीं, बहू भी घर की इज्जत होती है।